मॉडल ऑक्सिलरीज के फंक्शंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरीज की बहुत बहुत अहमियत होती है ना। द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इज वेल मच्ड इन इंग्लिश ग्रामर। तो मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से है, उनका क्या फंक्शन होता है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमने मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जो इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स है उनके 9, उनके लिए भी एक वीडियो बनाई है, आप जा सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो चैनल पर, यू मे वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जितने मॉडल ऑक्सिलरीज है उनमें से गिने चुने छोटे छोटे लेकर पार्ट्स में सीरीज बनाएंगे और उनके फंक्शन क्या है वो समझ लेंगे। ठीक है, पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ जो 24 है इंग्लिश में। तो एम इज आर, वाज वर, डू डस डिड, हैव एज हैड, शैल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, नीड और टू, ये 24 है। लगे तो आप इनको ले सकते हो वीडियो को पॉज करके भी, ठीक है ना। अब ये 24 में से पहले जो 11 है कौन कौन से, एम इज आर, वाज वर, डू डस डिड और हैव एज हैड, ये जो है इन्हें कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और उनके बाद में जो शुरू होंगे फिर 9, शैल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट मस्ट, इन्हें कहा जाएगा मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, और भी 4 बचते हैं, यूज्ड टू, डेयर, नीड और टू, ये जो 4 हैं ये भी मॉडल्स हैं, लेकिन इन्हें सेमी मॉडल्स या वीक मॉडल्स कहा जाता है क्योंकि इनका ज्यादा काम नहीं रहता है, इनका भी काम ऊपर वाले जो 9 है वे कर लेते हैं। तो चलो फिर जो ऊपर के जो 9 हमने अभी डिस्कस किए, शैल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट मस्ट, इनके बारे में सोचेंगे, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, शैल का आएगा ना, राइट। तो इसे हम खामखा शाल शॉल ऐसे कुछ भी कह देते हैं, इट इज नॉट देयर फॉर, तो शैल इज एनफ फॉर इट। ओके, तो जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं लोग वो तो हमें समझ में भी नहीं आएगी, इतने फास्ट में उसका प्रोनाउंसिएशन करके आगे चले जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि अरे मुझे समझ में नहीं आती उनकी लैंग्वेज व्हाट एग्जैक्टली से। तो इसीलिए होता है क्योंकि हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलो फिर शल की बात जाएंगे। ओके, ये जो शल है, शल का सबसे पहला फंक्शन क्या है, फ्यूचर एक्शन। यस, आपको पता है हम जब भी फ्यूचर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस वक्त हमें शल मिल की जरूरत पड़ती है ना। तो शल पास्ट फंक्शन इज टू शो, टू इंडिकेट द फ्यूचर एक्शन। इफ यू हैव योर नोटबुक्स विद यू और नोट्स, यू मे नोट डाउन देम आल्सो। फ्यूचर एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ योर फंक्शन ऑफ इट। सेकेंड थिंग क्या करता है, शल सजेशन का काम करता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो यू मे हैव दिस नोट ऑफ इट। सजेशन देने के लिए भी हम शल का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि शल बी गो नाउ, मतलब हम अब जाए क्या। तो जब भी आप शल बी गो नाउ इस तरह से सेंटेंस बनाते हो, उस टाइम पे वो सजेशन देता है। तो कभी कभी शल सजेशन का भी काम करता है। और आगे काम प्रेडिक्शन का, प्रेडिक्शन करना मतलब क्या करना, किसी चीज को जो अभी घटी नहीं है वो भविष्य में घटेगी उसको बतलाना। आई शैल गो देयर, तो मैं वहां पर जाऊंगा। अभी गए हो क्या, नहीं गए हो, लेकिन आई शैल गो देयर, तो यू आर शोइंग व्हाट, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर, राइट। वो जो उसका बहुत काम है और एक काम करता है वो, फंक्शन ऑफ शैल इज नेक्स्ट व्हाट, प्रॉमिसिंग। ठीक है, जब भी आप प्रॉमिस देते हो किसी चीज का कि हाँ मैं ये चीज 100% करने वाला हूँ, यस आई शैल डू इट, जब बोलते हो आप, तो एक प्रॉमिस की लैंग्वेज आपकी होती है। तो एक फंक्शन शैल का प्रॉमिस लेना, ये भी होता है। और एक अच्छी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या कि हम हमेशा आई और वी इनके बाद में शैल का प्रयोग करते हैं ना, ये तो बात पता होगी आपको ना। लेकिन क्या आपने कहीं देखा है इंग्लिश की बुक्स में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, कहीं पर भी, या किसी को कहते हुए कि आई के बाद में वो शल का यूज नहीं कर रहा है, यू के बाद में विल का प्रयोग नहीं कर रहा है, वाइस वर्सा कर रहा है। मतलब क्या, यू विल कहना है ना, तो यू विल नहीं कह रहा है, तो क्या कह रहा है, यू शल कह रहा है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट, जब भी वाइस वर्सा हो जाएगा, मतलब आई के बाद में शल कहना चाहिए तो विल कह रहे हो, आई विल कह रहे हो, और यू के बाद में विल कहना चाहिए तो शल कह रहे हो। ठीक है ना, यू ही शी इट के बाद में जब, जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर अगर शैल का प्रयोग होता है तो उसे ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, थ्रेट, धमकी जिसे हम कहते हैं, इनके हिसाब से देखा जाएगा। मतलब शैल आल्सो डज द वर्क ऑफ थ्रेटनिंग द पीपल, गेटिंग, मींस इंस्ट्रक्टिंग, कमांडिंग आल्सो। जब भी आप कहते हो कि यू शैल स्टे देयर, सुनो दो सेंटेंसेस में फर्क समझ लो।
क्या बोल रहा है कि यू विल स्टे देयर, मतलब तुम वहां खड़े रहोगे, राइट, यू विल स्टे देयर, आप वहां पे रहोगे जो भी है। लेकिन आप जब भी ऐसे बोल रहे हो ना यू शैल स्टे देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें धमकाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना वार्निंग दे रहा हूँ कि यू हैव टू स्टे देयर, अगर आप वहां पे नहीं रहे तो फिर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। सी व्हाट आई एम सेइंग अबाउट, मतलब यू शैल बी पनिश्ड, जब भी शैल आ जाएगा जहां पर नहीं चाहिए था वहां पर आपको डायरेक्टली थ्रेट, डायरेक्टली पनिशमेंट, इस तरह से भी देखा जाएगा। तो देखो दोस्तों शैल के कितने सारे हो गए ना फंक्शंस, है ना, तो अगले एक वीडियो में देखेंगे कि विल की फंक्शंस क्या है और बाकी सबके भी, तो छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज में करेंगे। तो ये वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, इफ इट इज गुड फॉर यू जस्ट क्लिक द बटन राइट ऑफ द सब्सक्रिप्शन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में।